सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो एक पावर एंड फंक्शन एंड ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी से वो लोग ड्रॉ करता है, तो उस हिसाब से इंक्लूडिंग द डीएम एडीएम एचडीएम एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स दे हैव द सेम पावर एंड सेम अथॉरिटी विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन. सो द ऑर्डर जो पास किया है इसी स्पॉन्टेनियसली उन्होंने पास किया बोला. अभी हम लोग उसके लिए एक यहाँ जॉइंट एक मीटिंग रखा है. सर कारण क्या रहा, मतलब ये कारण, ऑर्डर पास करने का कारण क्या? तो अभी ये जॉइंट मीटिंग में पता चला है, उन्होंने अभी हम लोगों को बताया कि कुछ लोगों ने आया था और उन्होंने बताया कि ये इशू से सीरियस इशू है, तो उस हिसाब से उन्होंने ये ऑर्डर को प्रमुलोगेट किया है 144 सीआरपीसी को, यही हमको बताया. सर, तो 144 सीआरपीसी जो है सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही इंप्लीमेंट होता है जहाँ तक हम लोग का नॉलेज है. सर एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या लगता है सर ये जो पावर का मिसयूज हुआ है कैसे? ये देखिए ऑल ओवर सडन. हाँ ये देखिए एक्चुअली अभी इसी के लिए हम अपना जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है अभी हम मीटिंग ले रहा है और कल भी हमने वो जितना नया सीओ अपॉइंट किया उसको एटीआई में ये ट्रेनिंग दिया है. खास करके जो जो भी मजिस्ट्रेट होता है उन लोगों को ये जो सीआरपीसी का जो नियम कानून को पुराना लोग बेचेस लोगों को शायद ट्रेनिंग नहीं दिया गया और इसी हिसाब से उन लोगों को शायद पता नहीं है कि 133 कब लगाना है 144 कब लगाना है. 144 तो ये कर्फ्यू बोलता है इसको ना, कर्फ्यू कोई शब्द नहीं होता है सीआरपीसी में, उसका 144 ही बोलता है, बहुत सीरियस नेचर में ही इसको लगाता है. इसलिए हम लोग भी आज जानने आया, हम खुद भी उनको पूछा है कि आप बता दीजिए किस कारण से आपने किया, और हमारा जितना भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उन लोगों को भी आज बुलाया गया, उन लोगों ने भी सजेशन और दिया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सजेशन दिया है और यहाँ का नाहरलगुन ये हालांकि ये एक नाहरलगुन सर्कल का अंदर में ही ऑर्डर है तो उनको लेके उन लोगों ने भी सजेशन दिया. उस हिसाब से आज का मीटिंग का कंक्लूजन ये है कि ये ऑर्डर को विड्रॉ किया जाए इमीडिएटली, तो वो आज ही और इसी समय वो विड्रॉ हो गया. तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मीडिया में जो भी लोग देख रहा है ये इशू को इधर ही चैप्टर को क्लोज करने से हो जाएगा. कारण ये है कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस होता है तो ट्रेडिंग लाइसेंस तो रूरल एरिया में हम देते हैं डीसी और अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल देता है, तो ट्रेडिंग लाइसेंस में ही ये नाम दुकान का नाम लिखा होता है, तो इसलिए उन लोग अथॉरिटी का साथ ही बिजनेस कर रहा है. और ये नया पोस्टिंग आया है उनको थोड़ा से आइडिया बहुत कम था तो इसलिए ऑर्डर को विड्रॉ कर दिया है. और हमारा इस एसी का ऑर्डर से जो भी लोग इसको हर्ट हुआ है मैं अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वो एक्सक्यूज़ मांगते हैं.